हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू एलिसब्लू। मैं हूं दीपेन गोगोई और आज हम बात करेंगे क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का पिवट पॉइंट एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, क्रूड ऑयल का ट्रेंड क्या है और क्रूड ऑयल का ट्रेंडिंग का रेंज क्या है उसका ऊपर बात करेंगे, और मार्केट को कैसे एनालाइज किया जाता है उसका मैं एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले ये देख सकते हैं, मैंने पिवट पॉइंट की बारे में पहले बात कर लूँ, और ये मैंने डेली चार्ट क्रूड ऑयल का लिया और आज क्रूड ऑयल का पिवट पॉइंट 5446, फर्स्ट रेजिस्टेंट 5567, जो कि प्राइस फर्स्ट रेजिस्टेंट की थोड़ा नीचे में ओपनिंग हुआ है, और सेकेंड रेजिस्टेंट 5633 एंड थर्ड रेजिस्टेंट 5754। फर्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगा 5380, सेकेंड सपोर्ट 5259 एंड थर्ड सपोर्ट 5193। तो अब देख सकते हैं, ये क्रूड ऑयल मैंने पहले दिया था ये रेजिस्टेंस लाइन, तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लाइन का पास में ही है, और एक सपोर्टिंग लाइन दे दिया मैंने यहाँ पे डेली। तो इसमें देख सकते हैं आप, ये 5521 जो मैंने पहले दिया था एग्जैक्टली वहाँ पे ही है। तो आपको पहले देखना है मार्केट का लॉन्ग टाइम पीरियड, जिसे डेली हो, फोर आवर में, उसका ट्रेंड क्या है। तो इसमें आप क्लियर देख सकता है यहाँ पे अप ट्रेंड में मार्केट रनिंग है। तो अप ट्रेंड में इसका रेंज क्या है, तो कैसे निकालेंगे हम। अब देखिए, ये मैंने लोअर लो को कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक पैरेलल ड्रॉ लिया, लोअर लो को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे मैंने ये जो हायर पॉइंट था, तो एग्जैक्टली मैंने हायर पॉइंट को कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, ये मैंने हायर पॉइंट को कनेक्ट कर दिया, ये है इसका हायर पॉइंट, तो कनेक्ट कर दिया। तो ये जो रेंज था, इसका रेंज का आसपास में ही है, थोड़ा ऊपर निकल गया तो भी ये मार्केट रेंज, जो अपर रेजिस्टेंस लाइन है, दोनों इसमें एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है डेली में, ठीक है। और अगर फोर आवर में देखें तो आप देख सकते हैं, ये फोर आवर मैंने जो कनेक्ट किया था, तो फोर आवर में इसको तोड़ के थोड़ा ये जो रेजिस्टेंस लाइन है उसमें है। अगर डेली हम अगर इस लोअर लो को कनेक्ट करें, ठीक है, ये इसको किया मैंने और यहाँ पे इसको किया, राइट, ये लोअर और ये लोअर, तो ये हाई को कनेक्ट किया, तो एग्जैक्टली इधर आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रेजिस्टेंस लाइन में है। तो अगर रेजिस्टेंस लाइन में है तो थोड़ा इसमें आप लॉन्ग पोजीशन के लिए ये दिक्कत हो जाता है, हम अगर ये लेंगे तो यहाँ से फिर से मार्केट रिवर्स आ सकता है, राइट। तो अगर छोटा रेंज में देखे तो जो रेंज है तो एग्जैक्टली वहाँ पे ही है, राइट, ये रीजन फुल्ली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड बना, सॉरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बना के रखा हुआ है लार्ज टाइम फ्रेम में। तो फोर आवर में देखेंगे तो इसको तोड़ दिया, लेकिन जो प्रीवियसली डेली का रेजिस्टेंस लाइन देखा था उसको अभी तक तोड़ा नहीं, आज देखेंगे इसको तोड़ के उसका ऊपर क्लोज होगा या नहीं होगा। अगर ऊपर क्लोज हो गया तो और ऊपर तक जा सकता है, जैसे 5786 जो मैंने पहले रेजिस्टेंस लाइन दे के रखा था। तो अभी हम देखेंगे 30 मिनट में, तो आप देख सकते हैं 30 मिनट में ये रेंज तोड़ के यहाँ पे तोड़ा था, पहले जो मैंने बनाया था इसको तोड़ के ऊपर निकल गया। तो जैसे मैंने पहले बताया था, इसको अगर तोड़ दिया तो यहाँ से आप बाय ले सकते हैं, यहाँ तक ऑलरेडी वो हो गया। तो अभी देखना है यहाँ पे क्या कन्फर्मेशन मिलेगा हमको। तो अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखे तो कंटिन्यूसली मार्केट तो ऊपर ही जा रहा है, लेकिन आपको अगर बाय लेना है तो यहाँ पे और एक रेंज हमें मिला, जो ये रेजिस्टेंस था स्मॉल टाइम फ्रेम में, इसको भी तोड़ के ऊपर चला गया, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, तो हमें पोजीशन कैसे लेना है, कहाँ पे लेना है। तो मैंने जैसे ये लाइन ड्रॉ कर दिया, तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा थोड़ा देर होल्ड करके। तो अगर मार्केट ये जो मैंने दिया 5521 इसका ऊपर ही मार्केट रह गया, ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट क्लोज नहीं हुआ फिर भी यहाँ पे ही मार्केट दो तीन कैंडल बना लेगा ऊपर में, तो आप बाय में जा सकता है आज,
बाय के लिए, तो इस अगर आपने बाय में गया तो इसका नीचे जैसे ये लोअर पॉइंट या पहले जो लोअर पॉइंट था यहाँ पे आप देख सकते हैं ये अराउंड 60 पॉइंट नीचे और मूविंग एवरेज भी आ जाएगा, तब तक 60 के आसपास आप एसएल लगा के बाय जा सकता है। अगर ये मैंने हेकेनेसी कैंडल स्टिक लगा के रखा, तो अगर हेकेनेसी यहाँ पे बेयरिश कैंडल फॉर्म हो गया ठीक है, और प्रीवियस डे जैसे ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है तो इसका नीचे बेयरिश कैंडल फॉर्म हो गया, तो यहाँ से आप सेल कर सकते हैं यहाँ तक जैसे 70-80 पॉइंट के लिए राइट। तो इसलिए पहले आप देख लीजिए यहाँ पे ये जो हायर जो ब्रेकआउट करेगा या नहीं करेगा, अगर उसको ब्रेकआउट करे तो इसको यहाँ पे आप बाय जा सकते हैं। जैसे मैंने अगर फिबोनाची कनेक्ट करके देखा तो आप देख सकते हैं ये फिबोनाची का पीरियड है 120, ये मैंने मैन्युअली डाला हुआ है क्योंकि ये फिबोनाची का मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है, तो इसलिए यहाँ पे मैंने डाल दिया 123 और 38। अगर 123 को ब्रेकआउट करके ऊपर बन गया कैंडल तो बाय कर सकता है कहाँ तक 161 तक, ये आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। जैसे यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर दिया तो यहाँ पे आपको 50-60 पॉइंट के लिए आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा। अगर इसको तोड़ दिया जैसे ये जिसे बताया मैंने ये सपोर्टिंग बना के रखा हुआ है और इसका नीचे अगर फॉर्म हो गया कैंडल तो यहाँ पे सेल कर सकते हैं आपको 100 या 50 मूविंग एवरेज के लिए ठीक है। सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।